नमस्ते। साइनवेव के वीडियो लर्निंग सेशन में आज हम देखते हैं कि साइनवेव के टैक्सबेस जीएसटी प्रो सॉफ्टवेयर के जरिए ईवे बिल जनरेशन और ईवे बिल प्रिपरेशन कैसे होता है। सो ईवे बिल के लिए बेसिक क्राइटेरिया है, आपका जो ट्रांसपोर्टेशन में इनवॉइस बिल रहेगा उसका वैल्यू 50,000 से ऊपर होना चाहिए। आपका ट्रैवलिंग डिस्टेंस, ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंस जो है अबाउट 10 किलोमीटर्स होना चाहिए। अगर आपका ट्रैवलिंग डिस्टेंस 10 किलोमीटर से ज़्यादा है तो उस ईवे बिल के ऊपर आपका लेटेस्ट व्हीकल नंबर होना ज़रूरी है जिसमें आपका माल जा रहा है। और ये ईवे बिल जो है पर डे 100 किलोमीटर्स एंड पार्ट ऑफ इट के लिए अवेलेबल रहेगा। तो आइए अब इस वीडियो में हम देखते हैं कि ईवे बिल जनरेशन प्रिपरेशन कैसे होता है। सो उसके लिए आपको एज यूजुअल सॉफ्टवेयर में लॉगिन होना पड़ेगा। सो आपको दिखाने के लिए मैं ऑलरेडी लॉगिन हो चुका हूँ और टैक्सबेस जीएसटी प्रो होम स्क्रीन के ऊपर हूँ। यहाँ आप देख सकते हो कि मेरा जो टैक्सपेयर है सिलेक्टेड है। अब इसे मैं क्लोज करता हूँ और आपको लेके जाता हूँ मास्टर डेटा में, कस्टमर मास्टर में। सो कस्टमर मास्टर में जाने के बाद आप यहाँ देख सकते हो आपने आपके जो वेरियस कस्टमर्स हैं यहाँ डिफाइन कर दिए है। यहाँ आपको पूछा हुआ है अप्रोप्रिएट डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। सो आपके जो कस्टमर्स है उनका अप्रोप्रिएट डिस्टेंस कितने किलोमीटर है वो आपको यहाँ मेंशन करना है। ये मेंशन होने के बाद आपको यहाँ सेव करना है और यहाँ जो आपको बटन प्रोवाइड किया है बल्क अपलोड टू ईवे बिल पोर्टल, यहाँ आप क्लिक करते हो तो आपके कस्टमर मास्टर का जेएसएन फाइल प्रिपेयर होके ईवे बिल पोर्टल के ऊपर आप यहाँ से कस्टमर्स अपलोड कर सकते हो। सेम ऑप्शन आपको सप्लायर मास्टर में भी अवेलेबल है। सो जैसे यहाँ आपने आपका सप्लायर डिफाइन किया हुआ है, यहाँ उसका अप्रोप्रिएट डिस्टेंस जो है आपको मेंशन करना है। मेंशन करने के बाद आपको यहाँ डिटेल्स पूछा है लाइक सिटी। सो यहाँ आप आते हो तो उनका जो भी एड्रेस डिटेल्स है वो आपको यहाँ एंटर करना है। सो डिटेल्स एंटर करने के बाद इसे हाइड कर दीजिए, सेव कर दीजिए, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। फिर इस सप्लायर को अब ईवे बिल पोर्टल के ऊपर अपलोड करने के लिए आपको बल्क अपलोड टू ईवे बिल पोर्टल के ऊपर क्लिक करना है। सो अब इसमें जो मिसिंग फील्ड्स जैसे मोबाइल नंबर ये आपको यहाँ एंटर करना होगा। सेव। सो ये आप अभी सप्लायर मास्टर का जेएसएन फाइल प्रिपेयर कर रहा है। सो उसका स्टोरिंग लोकेशन आपको स्पेसिफाई करना होगा। फिर आपको सेव पे क्लिक करना है, यस पे क्लिक कीजिए। सो यहाँ से सॉफ्टवेयर से आप डायरेक्टली डाइवर्ट होगे ईवे बिल पोर्टल के ऊपर, जहाँ आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है सॉफ्टवेयर से पिकअप होगा। यहाँ आपको कैप्चा कोड एंटर करने के लिए पूछा है। सो ये कैप्चा कोड आपको यहाँ एंटर करना है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आपको यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है। सो ये आप ईवे बिल पोर्टल के ऊपर डाइवर्ट हो चुके हैं। बल्क मास्टर में सप्लायर को टिक हो चुका है। अब यहाँ आपका जो जेएसएन फाइल है सप्लायर मास्टर का वो ऑटोमेटिकली यहाँ पिकअप होगा। अब इसे आपको अपलोड पे क्लिक करना है। अपलोड पे क्लिक करने के बाद आपका ये जो सप्लायर है यहाँ अपडेट हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ आपको जनरेट पे क्लिक करना है। सो जनरेट पे क्लिक करने के बाद आपका जो सप्लायर मास्टर है ईवे बिल पोर्टल के ऊपर अपलोड हो जाएगा। सो इसी तरीके से आप सॉफ्टवेयर से आपका जो ट्रांसपोर्टर मास्टर है उसे भी ईवे बिल पोर्टल के ऊपर इस बटन के जरिए अपलोड कर सकते हो। सेम वे आपका जो एटम मास्टर्स है सो एटम मास्टर भी आप यहाँ से ईवे बिल पोर्टल के ऊपर अपलोड कर सकते हो। सो ये चारों जो मास्टर्स है आपको ईवे बिल पोर्टल पे अपलोड करने के लिए जो बताया हुआ है, ये अगर आप डायरेक्टली पोर्टल से ही आपके ईवे बिल जनरेट करते हो तो उसके लिए नेसेसरी है, अदरवाइज ईवे बिल जनरेशन आपका सॉफ्टवेयर से भी होगा।
सो ये मास्टर्स अपलोड होने के बाद आपको आना है डेटा एंट्री में। डेटा एंट्री में सेल्स रजिस्टर, तो सेल्स रजिस्टर में आपने जिन्हें सेल्स किया हुआ है उसकी बिल्स की एंट्री आपने इस तरीके से करके रखी होगी। अब इसे आपको नीचे सेव पे क्लिक करना है। रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, ओके। प्रिपेयर ईवे बिल्स, सो यहाँ आप क्लिक करते हो तो यहाँ जो बेसिक कंडीशन है कि आपका इनवॉइस वैल्यू 50,000 से अबव होना चाहिए, उसने मैसेज दिखाया है, ओके बोल दीजिए। यहाँ आपका ईवे बिल कौन से इनवॉइस का प्रिपेयर करना है ये आपने मेंशन नहीं किया है, सो उसकी वजह से आपको ये मैसेज दिखाया है। ये आपको मैं किस तरीके से मैसेजेस डिस्प्ले होंगे वो दिखा रहा हूँ। सो अब हमें दोनों का ईवे बिल प्रिपरेशन करना है, तो यहाँ आपको सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है और यहाँ प्रिपेयर ईवे बिल, ओके। सो यहाँ देखिए आपका डेटा जो है ईवे बिल रजिस्टर में सक्सेसफुली पिकअप हो चुका है। इसी तरीके से आपके जो परचेज बिल्स है तो उसे भी आप ईवे बिल रजिस्टर में ट्रांसफ़र कर सकते हो। सो यहाँ आपका परचेज का बिल डिटेल्स है, यहाँ आपको सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है, फिर प्रिपेयर ईवे बिल्स, यहाँ भी आपको वार्निंग मैसेज दिखाया है, ओके। डेटा सक्सेसफुली पिकअप इन ईवे रजिस्टर, ओके। अब आपको यहाँ क्लोज करना है और आना है डेटा एंट्री में ईवे बिल रजिस्टर जनरेट बाय डीलर। यहाँ आने के बाद आपका जो सेल्स का और परचेस का जो इनवॉइसेस हमने ईवे बिल रजिस्टर पे लिया है वो डिटेल्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे। मैंडेटरी जो फील्ड्स है वो आपको यहाँ फिल करनी है। डॉक्यूमेंट टाइप, इसके आगे आपको चेक करना है जैसे यहाँ पिन नंबर, टू स्टेट, फिर यहाँ मैं महाराष्ट्र चूज कर रहा हूँ, अब आगे आपको चेक करना है कि जो मैंडेटरी फील्ड्स आपने फिलअप की हुई है या नहीं। सो जैसे यहाँ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, सो यहाँ आपका बाय रोड है, रेल है, एयर है या शिप है, ये आपको चूज करना है। ट्रांसपोर्टर नेम, ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट की डेट, सो इस तरीके से ये डिटेल्स आपको यहाँ एंटर करने होंगे। अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस, और आपको यहाँ व्हीकल नंबर प्रोवाइड करना है जो आपका गुड्स कैरी कर रहा है। इसे आप कॉपी भी कर सकते हो। सो इस तरीके से ये सारे डिटेल्स एंटर होने के बाद ये जो आपको डीएक्टिवेटेड ऑप्शंस फील्ड्स दिखाई दे रही है ये डायरेक्टली ईवे बिल पोर्टल से यहाँ अपडेट होगी। सो हमारा जो डिटेल्स था वो हमने एंटर किया है, अब इसे आपको सेव करना है। रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, ओके। अब ये डेटा आपको ईवे बिल पोर्टल के ऊपर अपलोड करने के लिए यहाँ ऑप्शन दिया है प्रिपेयर एंड अपलोड जेएसएन, सो इसे आपको क्लिक करना है। जेएसएन फाइल स्टोरिंग के लिए लोकेशन पूछ रहा है जिसको मैं डेस्कटॉप दे रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ। JSN फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, अब ये पूछ रहा है आपको ये ईवे बिल पोर्टल के ऊपर अपलोड करना है, सो यस बोल दीजिए। सो यहाँ से सॉफ्टवेयर से आप डायरेक्टली ईवे बिल पोर्टल के ऊपर पाइवट होगे जहाँ आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड फेच होगा और वहाँ कैप्चा कोड एंटर करने के लिए आपको पूछा है। सो इस तरीके से आपका जो कैप्चा कोड आया है उसे एंटर कर दीजिए, लॉगिन बोल दीजिए, आप ईवे बिल पोर्टल के ऊपर डाइवर्ट हो चुके हैं।
सो यहाँ आपका जो जेएसएन फाइल है ऑटोमेटिक सिलेक्शन होगा। अब इसे आपको अपलोड पे क्लिक करके डेटा आपका अपलोड करना है। सो इस तरीके से आपका जो डेटा है यहाँ अपलोड हो चुका है। अब आपको यहाँ जनरेट पे क्लिक करना है। सो आपका जो ईवे बिल्स है वो जनरेट हो गए। सो जनरेट, सो आपका ईवे बिल्स जनरेट होके पोर्टल से आपका जो डेटा है यहाँ ऑटोमेटिकली फेच हो चुका है। अब इसे प्रिंट करने के लिए आपको यहाँ प्रिंट ऑप्शन दिया है, या आप डायरेक्टली ईवे बिल पोर्टल के ऊपर से भी ये ईवे बिल्स जनरेट कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। सो इसे प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ आपको क्लिक करके दिखा रहा हूँ। सो यहाँ से फिर से आप डाइवर्ट हो गए ईवे पोर्टल के ऊपर। सो इस तरीके से ईवे बिल पोर्टल में आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड ले लिया है, कैच कोड फेच एंटर करने के लिए पूछा है। सो एक कैच कोड मैंने दे दिया, लॉगिन पे क्लिक किया। सो यहाँ ऑटोमेटिकली ईवे बिल नंबर पिकअप होगा और इसे प्रिंट करने के लिए आपको गो के ऊपर क्लिक करना है। सो ये ईवे बिल जो है आपका इस तरीके से जनरेट होगा। इसे आप यहाँ प्रिंट करते हो तो ये ईवे बिल आपका प्रिंट होगा। सो इस तरीके से टैक्सबेस जीएसटी प्रो सॉफ्टवेयर से आप आपका ईवे बिल जनरेशन और प्रिंटिंग कर सकते हो। अब हमने सॉफ्टवेयर से जो मास्टर्स ईवे बिल पोर्टल के ऊपर अपलोड किए थे वो डिटेल्स आपको यहाँ डिस्प्ले हो गए। प्रोडक्ट्स में आइटम्स, क्लाइंट में कस्टमर्स, सप्लायर में आपके सप्लायर्स आएंगे, ट्रांसपोर्टर्स की डिटेल्स यहाँ आएगी। जैसे सप्लायर्स जो है यहाँ आप क्लिक करते हो तो यहाँ आपका सप्लायर जो है इस तरीके से दिखाई देगा। ईवे बिल के थ्रू आप यहाँ प्रिंट ईवे बिल कर सकते हो, यहाँ से आप बल्क जनरेट कर सकते हो, यहाँ से आप जो ईवे बिल से विद इन 24 आवर्स कैंसिल कर सकते हो। सो इस तरीके से साइनियो के टैक्सबेस जीएसटी प्रो सॉफ्टवेयर से आप आपका ईवे बिल जनरेशन जो है कर सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो। सेम वे आपको सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन सर्विसेज में ईवे बिल के लिए अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं। जैसे ईवे बिल में ईवे बिल रजिस्ट्रेशन, जो कोई फर्स्ट टाइम ईवे बिल के लिए रजिस्टर कर रहा है वो यहाँ से कर सकते हैं। ईवे बिल पोर्टल के ऊपर लॉगिन करने के लिए आप यहाँ से क्लिक करके लॉगिन हो सकते हो। इस ऑप्शन से आप ईवे बिल बाय अदर्स जो है वो देख सकते हो। यहाँ से जो आपका ईवे बिल्स रिजेक्टेड है वो आप व्यू कर सकते हो। सो इस तरीके से ये सॉफ्टवेयर आपको ईवे बिल जनरेशन और प्रिंटिंग के लिए हेल्प करेगा। धन्यवाद।